नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ आप देख रहे हैं, कहा जाता है इसमें हमारी आँखें जो हैं वो कुदरत की देन हैं और एक सुनहरा उपहार है। अगर हमारी आँखें स्वस्थ नहीं रहती हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने ही लग जाती हैं, इसीलिए आँखों का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी होता है। अगर हमारी आँखें स्वस्थ हैं तो हम पूरी दुनिया को सही से देख पाते हैं, कोई भी कार्य कर पाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हमारी आँखें न हो तो दुनिया की कितनी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं या फिर हमारे दैनिक कार्य हैं वो रुक जाएंगे। इसीलिए आँखों को जब हमें ईश्वर ने दिया ही है तो इसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य, धर्म, सब कुछ है। अगर हम अपनी आँखों को स्वस्थ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो हम बहुत सारे कार्यों को सही ढंग से कर पाते हैं और जीवन का मजा ले पाते हैं। लेकिन हमारी आजकल की भाग दौड़ भरी ऐसी लाइफ हो गई है कि मैक्सिमम लोगों को कंप्यूटर पर पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है या फिर मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को बहुत लंबे समय तक देखना होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा असर किसी चीज़ पर पड़ता है हमारे शरीर में, तो वो हमारी आँखें हैं। जी हाँ, हमारी आँखों पर सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कंप्यूटर का स्क्रीन हो चाहे वो मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन। इसीलिए जब आँखों की बात आती है तो हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं कुछ एक घरेलू औषधियाँ और टिप्स, जिनके सहारे आप अपनी आँखों को खूबसूरत और रोशनीपूर्ण बनाए रख सकते हैं। आँखों को रोशनीपूर्ण बनाए रखने के लिए आपको आंवले का सेवन हर रोज़ ज़रूर करना चाहिए। आंवले का सेवन आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ व्यायाम और प्राणायाम भी करते रहना चाहिए। आंवले का सेवन आप कई रूप में कर सकते हैं, जैसे कि मुरब्बा बना करके, या फिर आंवले का चूर्ण बाजार से आता है वो ले सकते हैं, या फिर आंवले का जूस भी पी सकते हैं। इन तीनों के सेवन से आपको एक जैसा ही लाभ मिलता है। आंवला आँखों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण औषधि है। इसके बाद अगर आपको आँखों से धुंधला दिखाई देता हो, यानी कि साफ दिखाई ना दे, तो सफ़ेद प्याज का रस, अदरक का रस और शहद, इन तीनों की एक एक बूंद अपनी आँखों में डाल लीजिए। इससे आपकी आँखों की सफाई हो जाती है और धुंधला दिखना जो है वो बंद होकर के आपको क्लीन दिखने लगता है। इससे भी एक बेहद ही सस्ता और घरेलू औषधि है। नहाने से पहले एक कटोरी में सरसों का ऑयल ले लीजिए और इस ऑयल में अपने पैर के दोनों अंगूठों को डुबा करके रखिए कम से कम 20 मिनट तक। इसके बाद बाहर निकालिए, प्रतिदिन का ये रूटीन बना लीजिए, नहाने से पहले आपको करना है। इसके बाद नहा लीजिए, आप देखेंगे कि कुछ एक दिनों में ही आपकी आँखों के प्रॉब्लम्स दूर होने लग जाएंगी। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं, चलिए, तो रात को सोते समय, ये तो सबसे ईजी और सस्ता है और फ़ायदा उतना ही होता है इसका भी। करना क्या है कि आप पूरे दिन कार्य करके, चाहे ऑफिस से आएँ, कहीं से आएँ, रात को सोते समय पैरों के तलवों में सरसों का ऑयल ज़रूर लगाएं। सरसों का ऑयल लगा करके मसाज करें थोड़ी देर हल्के हाथों से, फिर आप सो जाएं। आप देखेंगे कि आपकी आँखें स्वस्थ रहेंगी, जिसकी वजह से आपको आँखों की प्रॉब्लम से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने खान पान में हरी साग सब्जियों का सेवन भी ज़रूर किया करें, इनको शामिल ज़रूर किया करें, क्योंकि इनसे आँखें हमारी स्वस्थ रहती हैं। खास करके पालक का सेवन आँखों के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए थे आँखों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए औषधियाँ। अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।